हेलो यूट्यूब, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। और अभी हम लोग बात करेंगे Xiaomi के नए सब्सिडरी ब्रांड पोको के बारे में, जिन्होंने अपना पहला फ़ोन लॉन्च कर दिया है, पोको F1। एंड 29th को इसकी सबसे पहली फ्लैश सेल हुई थी, तो उस फ्लैश सेल में मैंने भी इस फ़ोन को ऑर्डर किया था। एंड मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बोर नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इस मोबाइल को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास ब्लू वेरियंट है और ये बहुत ही प्यारा कलर है, पूरा पॉलीकार्बोनेट पे बना हुआ है। एंड इस पर कैमरा पे अगर आप देखें तो रेड एक्सेंट्स हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और इसमें डुअल टोन फ्लैश भी दिया हुआ है, डुअल कैमराज हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, और स्क्रीन भी जो है वो नॉच वाली स्क्रीन है। सो मैं ये वीडियो आपको इस फ़ोन के फीचर्स बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं, बट वो लोग सोच रहे हैं कि उनको ये फ़ोन फ्लैश सेल में मिलेगा नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन आपको फ्लैश सेल में बहुत ही आराम से मिलेगा। आपको ये फ़ोन कहीं OLX से या किसी दुकानदार से महंगे दाम में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करिए, मैं बता रहा हूँ सेल 2 मिनट तक आराम से चलेगी। और उसके रीजंस हैं जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस फोन का दाम 20,000 रुपए था, जो कि पहली फ्लैश सेल में था, जो कि HDFC बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट था तब। अब जो नेक्स्ट फ्लैश सेल जो होने वाली है, जो 5 तारीख को है, उस फ्लैश सेल में ये फोन 21,000 से स्टार्ट होगा। तो ये फोन 21,000 का अगर है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मिड रेंज का फोन है, और 21,000 का फोन हर कोई नहीं लेगा। आप प्लीज ये ना सोचें कि Redmi Note 5 Pro और Redmi 5A वाली कहानी यहाँ पर दोहरा दी जाएगी। ये फोन में इतनी हाइप है, बट स्टिल इसको लेने के लिए मैं आपको बता दूं इतने ज्यादा बायर्स नहीं होंगे, क्योंकि 21,000 रुपीज का फोन अफोर्ड करने के लिए अभी भी इंडिया में लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये मेरी सोच है, आई डोंट नो, आप डिफर कर सकता है सबके ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से 21,000 रुपए हर किसी के पास में नहीं है कि पब्लिक पागल हो जाए और फोन ये वाला फोन खरीदने लग जाए। इवन Redmi Note 5 Pro भी जिन लोगों ने लिया होगा, उन्होंने भी अपना बजट एक्चुअली में बढ़ा के ही खरीदा है। मैं ये चीज कह सकता हूँ, जब कंपनी ने Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 लॉन्च किया था पिछले साल, तो लोगों का तब भी माइंडसेट था कि वो 12,000 से 13,000 रुपए तक का फोन खरीदने पे विश्वास रखते थे। बट उसके बाद कंपनी ने फोन लॉन्च किया Redmi Note 5 Pro 14,000 रुपीज में। सो लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया और लोगों ने फिर Redmi Note 5 Pro खरीदा। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ, Note 5 Pro ही लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है, Note 5 इतना ज्यादा नहीं बिका है। सो अगर Xiaomi कंपनी सोच रही होगी कि Snapdragon 845 देने से लोग 5,000 या 6,000 रुपए और खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो गलत सोचे हैं। इतना पैसा बहुत मुश्किल ही खर्च करेगी इंडियन ऑडियंस। सो क्योंकि हमारे देश में लोग 20-21 हज़ार का फोन कम ही लेते हैं, लोग यूजुअली 15,000 के अंदर का फोन लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्लैश सेल के बारे में। 29th को जो फ्लैश सेल थी, उसमें मैंने और मेरा एक दोस्त था, उसने भी सोचा था कि क्या पता हमको मोबाइल नहीं मिलेगा, बट हमको बहुत आसानी से फ़ोन मिला। 11:58 पे फ्लैश सेल स्टार्ट हुई, वो 12 बजे तक थी, और हमने बहुत आराम से बुक किया, बिल पेमेंट भी किया, और फ़ोन हमारे पास आ भी गया ये। तो मैं इसको तभी से फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड इसके फीचर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, और अगर आप इसकी वजह से इस वीडियो पे आए हो, तो फीचर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसमें डुअल कैमरा है, डुअल टोन फ्लैश है, फेस अनलॉक है, IR के साथ फेस अनलॉक है, आगे 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, पीछे 12.5 मेगापिक्सल का कैमरा है, और स्क्रीन इसकी नॉच वाली है, 6.18 इंचेस की स्क्रीन है, और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845 AI वाला, और रैम जो है वो 6 GB है, और इसके अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है वो 64 GB है। बाकी इसके अलावा और इसमें आज सच कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। पोको लॉन्चर है उसमें, ये आप देख लो, बस ये एक चीज़ नहीं दे दी है कि इसमें इन्होंने ऐप ड्रॉअर दे दिया है। सो इतना ही है क्या कहते हैं फ़ोन के बारे में, और इसमें और एज सच कोई खास नहीं है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है प्लास्टिक की, ठीक है, बट छूने में बहुत काफ़ी प्रीमियम है, और
आपको अगर आप लेते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है, तो मैं गोरिल्ला ग्लास 3 को उतना ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ये टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा लिया है, जो कि काफ़ी सही चढ़ गया है। मेरे को लग रहा था कि साइड साइड से ये उठ जाएगा, बट साइड से उठा नहीं। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सेसरीज के बारे में। एक्सेसरीज में इसमें अंदर बॉक्स में क्या क्या आता है, एक ये ट्रांसपेरेंट कवर आता है, और उसके बाद ये टाइप सी वाला, ये टाइप सी पोर्ट है इस फोन में, तो टाइप सी वाली डेटा केबल आती है, और एक ये आपका 18 वॉट का क्विक चार्ज 3 सपोर्ट करने वाला फास्ट चार्जर आता है। ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 3, तो 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है 100%। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और जिनको भी ये फोन लेना है वो प्लीज ऑनलाइन ही बाई करें, बाहर ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट मत करो, चुपचाप ऑनलाइन ही ले लो, आपको भी सस्ता पड़ेगा और आप ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकोगे। सो यही चीज मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आगे चल के इसका एक इनडेप्थ रिव्यू भी बनाऊंगा कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद, और वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।